भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों पर गाज गिरी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कार्रवाई के दौरान पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। दरअसल जेसीसी छह पार्टी अध्यक्ष अजीत जोगी ने प्रश्न करते हुए पूछा, गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत पिंगेश्वर में विभिन्न निर्माण कार्यों का मूल्यांकन सत्यापन होने के बाद भी राशि में कटौती करने का मामला सामने आया, जिसका जवाब देते हुए पंचायत मंत्री सिंहदेव ने विभागीय जांच की घोषणा की, लेकिन स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मंत्री ने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारी को निलंबन करने की घोषणा की। तो इस बाबत ये निर्देश भी जा चुके हैं कि सभी जिला पंचायतों में जो वित्तीय अधिकारी हैं इनको कोई अधिकार पेमेंट काटने का नहीं है। एक बार प्रकरण प्रस्तुत हो गया इस बाबत क्योंकि अनियमितता गंभीर थी तो ये घोषणा हुई है उनके निलंबन की। अब सदन में आने के लिए रुकना नहीं चाहिए, आप बात उठाइए, संबंधित जनप्रतिनिधियों और अन्य लोग जो कार्रवाई कर सकते हैं उनके तक पहुंचाइए, जरूर कार्रवाई होगी। टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में शिशु मृत्यु दर में कमी आने की बात कही है। सदन में कांग्रेस विधायक अरुण बोरा के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और लगातार एसएससी यूनिट्स और एमएनएसयू यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। अपने दावे को मजबूत करने के लिए आंकड़े भी पेश किए गए। से प्रयास हो रहा है, आप देखेंगे कि एसएनसीयू यूनिट्स और एमएनएसयू यूनिट्स ये भी बनते चले जा रहे हैं। क्रेडल्स में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम पाइपलाइन लगा दें, अन्य व्यवस्थाएं करें, लोगों को हम सचेत कर सकें कि समय पे बच्चों को ले आइए। तो हम लोग ये चाहेंगे कि लोगों में ये जागरूकता आए कि जल्द से जल्द बच्चा अगर गंभीर लगता है कि नहीं सामान्य से स्थिति खराब है तो आप और उच्च श्रेणी के अस्पताल में ले जाएं। फिर भी मेडिकल कॉलेज में जन्म पाने वाले बच्चों की भी मृत्यु है, ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में जन्म है तो मृत्यु नहीं है। यहाँ कारण क्या है, कुछ नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, शून्य शायद संभव ना हो लेकिन कहीं कमी लापरवाही ना हो, ये हम लोग की जवाबदारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल का पाठ पढ़ाया।